नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसे हिंदी में स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आपको हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक बड़ा सिंपल है कि किसी भी वाक्य में स्थान से या जगह से जुड़ा कोई शब्द या उसके बारे में हम कोई जानकारी प्राप्त करें तो उसे हम हिंदी में स्थान सूचक शब्द कहेंगे और इंग्लिश में उसे एडवर्ब ऑफ द प्लेस कहा जाएगा। सबसे पहले आप इसकी हिंदी डेफिनेशन देखिए। जो शब्द क्रिया विशेषण के तौर पर यानी कि एडवर्ब के तौर पर किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह को या स्थान को परिभाषित करता है, अभिव्यक्त करता है, उसे हम हिंदी में स्थान सूचक क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां भी स्थान के बारे में बात हो, जगह के बारे में बात हो और उनको संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्रिया विशेषण के तौर पर स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए कि एक ऐसा एडवर्ब जो प्लेस को डिफाइन करता है, जो किसी भी जगह को डिफाइन करता है, उसको एड्रेस करता है, उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द प्लेस कहते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल हमने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं ताकि आपको इजिली इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए। देखिए, पहला है हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ ये एक समय को सॉरी ये स्थान को दिखाने वाला शब्द है। देयर, देयर का मतलब वहां, ये भी जगह दिखाता है। अप ऊपर, इन नीचे, आउट बाहर, अवे दूर, डाउन नीचे, एवरीवेयर चारों तरफ, समवेयर कहीं और, किसी और, नोवेयर कहीं नहीं, एनीवेयर किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, अबो ऊपर, बिलो नीचे, फार दूर, नियर नजदीक, बैकवर्ड पीछे की ओर या पीछे, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, आउटडोर बाहरी, इंडोर आंतरिक। तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं ये जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ओनली फॉर स्थान के बारे में बात करते हैं, जगह के बारे में बात करते हैं। ये डायरेक्टली उस जगह पे जाके सेट हो जाते हैं, उस जगह पे जाके सेट हो जाते हैं जहां हमें ये दिखाना होता है कि भाई ये जगह है और ये क्रिया से संबंधित है। तो उस चीज को दिखाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब आप देखिए हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि प्रयोग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने एग्जांपल देख लिए, डेफिनेशन देख ली, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको 50% नॉलेज मिल गया होगा, लेकिन हमें नॉलेज 100% चाहिए तो उसके लिए हमें इनको पर एक को एग्जांपल के साथ में समझना पड़ेगा, तभी आपका टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला एग्जांपल है, आई एम राइटिंग हियर, मैं लिख रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसे ध्यान से देखिएगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। यहां, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां एक जगह हो गई, ये यहां पे प्लेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से ही लिव्ड देयर, वह वहां रहता था, वहां वो भी एक जगह हो गई। इसी तरह से ही वेंट आउट, वह बाहर गया, अंदर गया बाहर गया, अंदर जाना या बाहर जाना, तो मैंने उसको लोकेट कर दिया। किसको लोकेट किया? प्लेस को, यानी जगह को लोकेट कर दिया। बाहर गया तो बाहर भी यहां पर प्लेस से जुड़ा शब्द है, यहां पर ये प्लेस को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से आई सर्च्ड हिम एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यानी कि जो ढूंढने का स्थान है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह। इसी तरह से आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, यहां पर ऊपर भी स्थान है। He was standing inside, वह अंदर खड़ा था या अंदर खड़ा हुआ था। She was waiting outside, वह बाहर की तरफ इंतजार कर रही थी, बाहर की तरफ, तो वो भी जगह हो गई। इसी तरह से thief ran away, चोर भाग गया, चोर दूर भाग गया, तो दूर भाग गया उसके लिए हमने अवे का प्रयोग किया, तो अवे भी यहाँ पर प्लेस को दिखा रहा है, जगह को दिखा रहा है। इसी तरह से there was nowhere water, पानी कहीं नहीं था। मान लीजिए हम पानी को सर्च कर रहे हैं, पानी को ढूंढ रहे हैं,
अब पानी कहीं नहीं है, हमने ढूंढा उसको लेकिन हमें कहीं नहीं मिला, तो कहीं नहीं मिला वो भी एक जगह हो गई, तो ये उसके लिए उसको एड्रेस कर रहा है। इसी तरह से आई वॉज प्लेइंग द गेम, मैं गेम खेल रहा था नियर द स्कूल, स्कूल के पास में मैं गेम खेल रहा था, पर कहाँ खेल रहा था, स्कूल के पास में, तो यहां पर नियर यानी कि पास को दिखा रहा है, पास की लोकेलिटी के लिए यूज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जितने भी वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, जिनको हमने यहाँ पे हाईलाइट्स किया है, ये सारे के सारे वर्ड इज ए एडवर्ब ऑफ द प्लेस यहाँ पर यूज किए गए, ये सारे के सारे शब्द यहाँ पे स्थान को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इनके बीच में कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम जब भी कोई चैप्टर बनाते हैं ना, तो उसका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका उस टॉपिक का उस मैटर के साथ में, उस कंटेंट के साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो हमारे चैप्टर को समझने कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको ये चीज समझना है कि हमने आखिर इस प्लेस के तौर पे जो भी शब्द प्रयोग किए, क्यों किए, आखिर इनका इनके इस सेंटेंस के साथ में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको अब एक एक सेंटेंस को समझाता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, लिख रहा हूं, तो क्रिया क्या है, लिखना, यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, पर लिख कहां, लिखा कहां, लिख कहां रहा हूं, तो मुझे कहां, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, मुझे वेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वेयर मल्टीप्लाई राइट, कहां लिख रहा हूं, यहां, तो मुझे आंसर मिल गया, यहां जगह मिल गई। लिव्ड, अब इसको आप देखिएगा, वेयर मल्टीप्लाई लिव, कहां रहता, देयर यानी वहां, वेयर मल्टीप्लाई वेंट, कहां गया, आउट बाहर की तरफ। सर्च, वेयर मल्टीप्लाई सर्च, मैंने कहां ढूंढा, एवरीवेयर। वेयर मल्टीप्लाई लुक, कहां देखा, ऊपर। वेयर मल्टीप्लाई स्टैंडिंग, कहां खड़ा था, इनसाइड अंदर की तरफ। वेयर मल्टीप्लाई वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, कहां इंतजार कर रहे थे, बाहर की तरफ। वेन सॉरी वेयर मल्टीप्लाई रेन, दौड़ा, कहां दौड़ा, अवे बहुत दूर। वेयर मल्टीप्लाई नो वेयर, अब आपको वेयर को मल्टीप्लाई करना है वाटर से, कहां था पानी, कहीं नहीं था। आई वॉज प्लेइंग द गेम, वेयर मल्टीप्लाई प्लेइंग, गेम कहां खेल रहे थे, नियर द स्कूल, स्कूल के पास में। तो आप देख सकते हैं हमने वर्ब को डायरेक्टली, वर्ब को, यहां पे वर्ब क्या है, राइटिंग, लिव, वेंट, सर्च, लुक्ड, स्टैंडिंग, वेटिंग, रेन, नो वे सॉरी वॉच, एंड यहां पे देख सकते हैं लास्ट के सेंटेंस में प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं सारे सेंटेंस में हमने इनको वेयर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं डायरेक्ट आंसर मिल गया, जगह यानी स्थान। और यहां पे स्थान को संबोधित करने वाले जितने भी शब्द है, इनको हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द प्लेस कहते हैं, और इन्हें हिंदी में स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन हमें एक चीज समझाना बहुत जरूरी है कि यहां पर हमने इन एग्जाम्पल के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनको हमने प्रयोग किया है, लेकिन वो कभी 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 प्रीपोजिशन के तौर पर भी प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि हमने प्रीपोजिशन का चैप्टर अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन हम जब भी प्रीपोजिशन बनाएंगे तब इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको जनरली समझा रहा हूँ कि ऊपर दिए गए कुछ एग्जाम्पल, यानी यहाँ जो आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए ना, इन एग्जाम्पल में से कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अप यानी ऊपर, डाउन नीचे, बिलो नीचे, अबो ऊपर, इन अंदर, विदाउट यानी के बिना, तो इन शब्दों को हम कभी कभी प्रीपोजिशन के तौर पर, हम इनको प्रीपोजिशन के तौर पर भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इनको एडवर्ब के तौर पर भी, एडवर्ब के तौर पर भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप इनको प्रीपोजिशन के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, वहां आपकी जानकारी क्लियर हो जाएगी। हमारे सामने दो एग्जाम्पल है, कम इन, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है ही लिव्स इन सिटी। अब पहले का हिंदी मीन होता है अंदर आइए, अंदर आइए, है ना, इनका मतलब अंदर और कम का मतलब आना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही लिव्स इन सिटी, वह शहर में रहता है, वह शहर में रहता है। अब जो पहला सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक है, यानी यहां पे आपको आदेश दिया जा रहा है, कम इन, अंदर आइए। अब दूसरा सेंटेंस में देखिए, वह शहर में रहता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपको दो चीज समझना है, यहां पे भी इनका प्रयोग हुआ, यहां पर भी इनका प्रयोग हुआ है, हमने दोनों जगह इनका प्रयोग किया दोनों सेंटेंस में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इस सेंटेंस में इन आया ना, ये एडवर्ब के तौर पर आया है
और इस सेंटेंस में जो इन आया वो प्रीपोजिशन के तौर पर आया। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ऐसा क्यों, इस इनमें और इस इनमें क्या फर्क है कि ये तो प्रीपोजिशन है और ये एडवर्ब है। तो इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूं। मैं शुरू से एक ही चीज समझा रहा हूं कि हम जब भी कोई टॉपिक बनाते हैं उस टॉपिक का उस कंटेंट के साथ में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। हमारा टॉपिक क्या था, स्थान। स्थान का मतलब जगह। आप देखिए, क्रिया का जगह के साथ में संबंध होना सबसे बड़ी चीज है। क्रिया हुई, क्रिया कहां हुई, उसका डायरेक्ट एक लिंक बनता है। क्रिया हुई पर कहां हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, लिखा कहां, यहां, रहा कहां, वहां, गया कहां, बाहर, ढूंढा चारों तरफ। आप देख रहे हैं, क्रिया जहां हुई उस स्थान के बारे में हमने उसको कनेक्ट किया, यानी कि क्रिया का उस स्थान का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। आप देखिए, आइए कहां, अंदर, आइए कहां, अंदर, आइए बाहर, आइए। आप देख रहे हैं ना, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अंदर आइए, अंदर आइए, यानी कि क्रिया का इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, अंदर आइए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे क्रिया का इनके साथ में कोई संबंध नहीं है। यहां क्रिया हो रही है, किस स्थान पे हो रही है, नहीं, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पे इन क्या कर रहा है, क्रिया को और उस जो कर्म है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। यहां पर हमने स्थान के पहले इनका प्रयोग किया है, जबकि यहां पे इनका प्रयोग वर्ब के लिए आया है, जबकि यहां पे इन ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। तो इसीलिए ये प्रीपोजिशन है और इसलिए यहां पे एडवर्ब है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज हमारे आज के चैनल को, सॉरी आज के हमारे सब्जेक्ट को, हमारे टॉपिक को, हमारे कंटेंट को, और स्पेशली आज के हमारे लेसन को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।